राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ बहुत जल्द होने जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा पर 18 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई मसलों पर अहम चर्चा हुई। राम मंदिर की भव्यता बढ़ाने के लिए भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब भगवान राम का मंदिर और अधिक ऊंचा और भव्य होगा। राम मंदिर की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों को ही बढ़ा दिया गया है। साथ ही राम मंदिर अब 2 मंजिल की जगह 3 मंजिल का होगा। नए नक्शे के हिसाब से राम मंदिर की लंबाई अब 268 फीट होगी और चौड़ाई 140 फीट होगी। मंदिर की ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। पहले नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई 128 फीट तय की गई थी, जो अब बढ़ाकर 161 फीट कर दी गई है। इसके अलावा 3 गुंबद की जगह नए नक्शे में 5 गुंबद रखे गए हैं। 2 की जगह अब राम मंदिर 3 मंजिल का होगा। पूरे मंदिर में 318 स्तंभ होंगे और हर तल पर 106 स्तंभ बनाए जाएंगे। हालांकि मंदिर का बुनियादी स्वरूप वही रखा गया है जैसा प्रस्तावित मॉडल में था। गर्भगृह और सिंह द्वार के नक्शे में भी कोई बदलाव नहीं होगा। राम मंदिर का अग्रभाग, सिंह द्वार, नृत्य मंडप और रंग मंडप को छोड़कर बाकी सभी हिस्से का नक्शा बदला जाएगा। मंदिर के नए नक्शे पर वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा काम कर रहे हैं। राम मंदिर का जो मॉडल अब तक सबके सामने है वो विश्व हिंदू परिषद के आइडिया पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट से 9 नवंबर 2019 को जब राम मंदिर निर्माण की मंजूरी मिली तो मंदिर की जिम्मेदारी के लिए केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट गठित करने के लिए कहा गया था। मोदी सरकार ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नाम से राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया। ये ट्रस्ट ही अब मंदिर निर्माण का काम देख रही है। मंदिर को लेकर लगातार मंथन भी हो रहा है। संतों की तरफ से राम मंदिर का विस्तार और उसकी भव्यता बढ़ाने की मांग लगातार की जा रही थी। ट्रस्ट ने संतों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए कुछ बदलाव के फैसले लिए हैं। हालांकि मंदिर का मॉडल वही होगा, लेकिन उसकी भव्यता बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।